भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने हिमाचल दौरे के दौरान अपनी कुल देवी माता श्री नैना देवी के दरबार में परिवार सहित पहुंचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा भी मौजूद थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ नैना देवी मंदिर पहुँचे। माता जी का नवरात्रों के उपलक्ष्य पर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और मंदिर में पूजा अर्चना की, हवन यज्ञ किया और मंदिर के प्राचीन हवन कुंड में आहुति डाली। मंदिर न्यास की तरफ से जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने माता की चुनरी और फोटो भेंट करके मंदिर न्यास की तरफ से उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने जहाँ पर नवरात्रि के दौरान मंदिर में हवन किया, वहीं पर कन्या पूजन भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वे माता श्री नैना देवी के दरबार में नवरात्र पूजन के लिए पहुंचे हैं। माता रानी की असीम कृपा उन पर रही है और जेपी नड्डा ने कहा कि नवरात्रों का संदेश बड़ा स्पष्ट है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सच्चाई की जीत हो और झूठ का विनाश हो। उन्होंने कहा कि वे माता रानी से यही कामना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे और हमारा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन सच्चाई के रास्ते पर चले। उन्होंने कहा कि जो हमारा विश्वास है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करने में माँ से प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार भी यहां पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है और श्री नैना देवी मंदिर भी धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर उभर के सामने आने वाला है, जिसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उनके साथ इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। रणधीर शर्मा की अगुवाई में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत किया। पुजारी वर्ग की तरफ से मंदिर न्यासी आशुतोष शर्मा ने उन्हें माता के चुनरी और प्रसाद भेंट किया। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया के समर्थन में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद किशन कपूर भी विशेष रूप से पहुंचे, वहीं पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में सांसद किशन कपूर के मन की पीड़ा छलक गई। कपूर ने कहा कि मैं बीमार हूं, यहां बड़ी मुश्किल से खड़ा हूं। कार्यक्रम में अपने मन की पीड़ा को बयां करते हुए सांसद ने कहा कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि बड़े नेता जब दूसरों को टिकट मिलता है तो बीमार पड़ जाते हैं, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। कपूर ने कहा कि जो विकास मैंने बतौर अपने कार्यकाल में करवाया है उस विकास की कोई सीमा नहीं है, मुझे वायरल हो गया है, उससे काफी बिकनेस हो गई है। मैं अपनी मन की पीड़ा बता रहा हूं। कपूर ने कहा कि ईमानदारी मेरा शुरू से मूल मंत्र रहा है और ईमानदारी से जीत के चलते ही मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र सांसद पहुंचा हूं। जनहित के लिए मैंने कभी चुनाव को नहीं देखा। धर्मशाला में सड़कों का जाल बिछाया, विकास में कमी नहीं आने दी। सांसद निर्वाचित होने उपरांत मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 करोड़ धर्मशाला के लिए स्वीकृत करवाया। धर्मशाला का विकास मेरी प्राथमिकता रही है। सोलन में दशहरा मुस्लिम के हुनर से संपन्न होता है। उसकी रावण बनाने की कला ही दशहरे को सफल बनाती है और बुराई के प्रतीक रावण के संजीव पुतले को जलाकर हम दशहरे को मनाते हैं। आपको बता दें कि रावण का पुतला बनाने के लिए मुस्लिम सहनबाज खान पिछले 35 वर्षों से सोलन आकर रावण बनाने का कार्य करता है। रावण बनाने का ये हुनर शाहनबाज खान जैसे कुछ लोगों के कारण ही जिंदा है। नई पीढ़ी इस हुनर को कम आय के कारण ज्यादा नहीं सीख रही है, यही कारण है कि ये कला कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई है। मुस्लिम होकर हिंदुओं के लिए
पुतले बनाने का प्रश्न जब शाहनवाज खान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि वे मुस्लिम हैं और उन्हें रावण का पुतला नहीं बनाना चाहिए और न ही आज तक किसी ने उनके कार्य पर कभी एतराज किया। उन्होंने कहा कि वैसे भी आज के समय में पुतले बनाने का कार्य ज्यादातर मुस्लिम हुनरबाज ही करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हिंदू सिख का फर्क केवल राजनेता अपने फायदे के लिए करते हैं, आमजन को इस जाति बात से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने इस मौके पर सभी को संदेश दिया कि सभी मिलजुल कर रहें और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाएं जैसे पहले मनाए जाते थे।